फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड द वे ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ कैसे हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देगी अगर हमारी गट जो है वो अनहेल्दी हो। इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस टू अवर ओवरऑल हेल्थ इज अ टॉपिक ऑफ इंक्रीजिंग रिसर्च इन द मेडिकल कम्युनिटी। स्टडीज से पता चला है, जो पिछली से स्टडीज हुई हैं उनसे पता चला कि जो गट हेल्थ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके इम्यून सिस्टम से, मेंटल हेल्थ से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, ये सब कहीं ना कहीं आपके जो गट हेल्थ है उससे रिलेटेड हैं। हायर लेवल ऑफ डाइवर्सिटी इन अ गट बैक्टीरिया जो है वो एसोसिएटेड होती है आपकी इम्प्रूव्ड हेल्थ से। इट अपीयर्स क्लियरली कि जो गट हेल्थ है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ और आपके वेलबींग में। तो ज़रूरी है अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना, और अगर आप अनहेल्दी गट से सफ़र कर रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए वेरियस साइंस, वेरियस सिम्टम्स कि आपकी जो गट है वो हेल्दी है या नहीं। मैनी पार्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ हमारी जो गट हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कहीं ना कहीं हाई है, हमारी नींद जो है वो उसका पैटर्न बिगड़ चुका है, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह जगह हमने अनहेल्दी ईटिंग हैबिट और जंक फूड को दे दी है। थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुई, वी गो टूवर्ड्स द एंटीबायोटिक्स। सो इसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल है वो चेंज होता है। ओवरऑल ऑफ पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से जो गट है वो हमारा अनहेल्दी हो जाता है। इसकी वजह से इन टर्न इट अफेक्ट योर हेल्थ, आपका इम्यून फंक्शन इम्प्रॉपर हो जाएगा, आपका जो हार्मोनल लेवल है, हार्मोनल लेवल की या हार्मोनल इम्बेलेंस आपको देखने को मिलेगा, वेट चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो है वो बॉडी में डेवलप होने लग जाएंगी। गट हेल्थ अनहेल्दी है उसको पहचानने के लिए साइंस हैं जो आपको जानने की जरूरत है। अगर आपका स्टमक अपसेट है, अपसेट स्टमक या डिस्टर्ब स्टमक जो है वो अनहेल्दी गट की निशानी है, जिसमें आपको एक्सेस ऑफ गैस फॉर्मेशन होगी, ब्लॉटिंग फील होगा, समटाइम यू फील लाइक कॉन्स्टिपेशन, समटाइम यू फील लाइक डायरिया, कई बार गले में या हार्ट में जलन मचेगा, दैट इज अ इंक्रीज ऑफ एसिड। सो बैलेंस्ड गट विल हैव अ लेस डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग द फूड जो कि जंक फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, उसको डाइजेस्ट करने में अनहेल्दी गट को टाइम लगता है। साथ ही अनहेल्दी गट जो है वो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने में भी डिफिकल्टी पाता है। अ हाई शुगर इनटेक इज वन ऑफ द रीजन ऑफ अनहेल्दी गट। अगर आपकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड है, एडेड शुगर है, इसकी वजह से जो गुड बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे और गट हेल्थ जो है वो अच्छी रहने की बजाय खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो ज़रूरी है जो शुगर इनटेक है उसे आप कम कर दें, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर इन्फ्लेमेशन रेट एंड इट कैन बी अ प्रिकर्सर ऑफ सेवरल डिजीजेस लाइक कैंसर आल्सो। अनइंटेंशनल वेट चेंजेस, गेनिंग और लूजिंग वेट विदाउट चेंजिंग योर डाइट हैबिट या एक्सरसाइज हैबिट जो है वो साइन ऑफ अनहेल्दी गट है। एक इम्बेलेंस्ड गट जो है वो इम्पेयर करता है बॉडी के एबिलिटी को टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड टू रेगुलेट द ब्लड शुगर एंड टू स्टोर द फैट। वेट लॉस जो है वो बहुत सारे डिजीज का कारण भी हो सकता है एंड इट इज कॉज बाय द मैल एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवरग्रोथ, दैट इज SIBO, SIBO। ऑन द अदर हैंड वेट गेन मे बी कॉज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन। तो ज़रूरी है कि अपने वेट पे ध्यान रखें, और अगर इम्प्रॉपर वे में वेट गेन हो रहा है
तो वहां पे करेक्शन की जरूरत है. स्लीप डिस्टर्बेंस या कॉन्स्टेंट फटीग इज वन ऑफ द रीजन ऑफ अनहेल्दी गट. तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है. रिसर्चेस जो है वो बताती है कि इम्बैलेंस इन गट बैक्टीरिया जो है वो लिंक होता है आपकी जो स्लीप पैटर्न है, शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन या आप की जो नींद है वो फुल नाइट डिस्टर्ब रहती है, तो उससे आपका जो गट है वो बिगड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, मेटाबॉलिक फंक्शन बिगड़ जाता है और इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर इन्फ्लेमेशन. तो जरूरी है कि आप प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर खाना खाएं और अपने वेट के ऊपर ध्यान रखें. स्किन कंडीशन लाइक सरोइसिस में भी रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं. जब लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है तो उसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है और दिस इन टर्न में लेड टू द कंडीशन जो आपके वेरियस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा इंक्लूडिंग योर स्किन. ऑटो इम्यून कंडीशन, कई सारी स्टडीज जो है उनसे पता चला है कि देर इज अ कनेक्शन बिटवीन योर गट एंड योर इम्यून सिस्टम. अनहेल्दी गट में इंक्रीज सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन एंड इट विल ऑल्टर द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. तो इट विल लीड योर ऑटो इम्यून डिजीज जहां पर की बॉडी जो है वो खुद ही अटैक करना शुरू कर देगी रेदर देन द हार्मफुल इन्वेडर्स. तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है. फूड इंटॉलरेंस आर द रिजल्ट ऑफ डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग सर्टेन फूड्स और कई बार फूड एलर्जी देखने को मिलती है. तो जरूरी है जानने के लिए कि कौन सा पर्टिकुलर फूड है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है. फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज इंटॉलरेंस, इट मे बी कॉज बाय पुअर क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया इन द गट. सो दिस कैन लीड टू अ ट्रबल इन डाइजेस्टिंग द फूड एंड आपको ब्लोटिंग की समस्या देखने को मिलेगी, एक्सेस ऑफ गैस बनना शुरू हो जाएगा, डायरिया आपको देखने को आप फील लाइक कंडीशन से सफर करेंगे, एब्डोमिनल पेन वहां पे आपको देखने को मिलेगा, नॉजिया लाइक सिम्टम्स होंगे. तो ये थे साइंस जो आपको बताएं कि आपकी जो गट हेल्थ है वो अनहेल्दी है. अब हम जानेंगे कि वो क्या तरीका है जिससे हम अपनी जो गट हेल्थ है उसे अच्छा रख सके. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर गट. कुछ चीजें करेक्ट करने से, आपके लाइफस्टाइल चेंज करने से, आपके डाइटरी पैटर्न को चेंज करने से आप अपनी गट को हेल्दी रख सकते हैं. गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है कि आप अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करें. क्रोनिक हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है ऑन योर बॉडी वो आपका अफेक्ट करेगा गट को एंड इट देयर आर द वेरियस वेज जिससे कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप वॉक पे जाइए, आप अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए जो आपसे हेल्दी टॉक कर रहा है, आपको अच्छी सजेशन देता है उससे बात करिए, आप अल्कोहल को लिमिट करिए. अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसको स्टॉप कर दीजिए, बेटर टू स्टॉप देम. असेंशियल विटामिंस को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, योगा आप लीजिए, अच्छी बुक्स आप पढ़िए. अगर आपको पेट से प्यार है तो बेटर टू स्पेंड टाइम विद द पेट्स. खाना जो है वो स्लोली खाएं. कई बार देखा गया है ना लोग एकदम फास्ट होते, टाइम नहीं है, बस दे दो कुछ भी खाना है और चल देते हैं. तो वहां पर जरूरी है, देखिए जब हम कमा किस ले रहे हैं, हम खाने के लिए, अच्छी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए. तो जब हम ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो फैमिली को या अच्छी लाइफस्टाइल को कैसे जिएंगे. तो खाना जब आप खाएं, आराम से खाएं, चबा के खाएं, जिससे कि खाना आपका प्रॉपरली डाइजेस्ट हो, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली आपकी एब्जॉर्ब हो और अनहेल्दी बैक्टीरिया से लड़ने की आपकी हिम्मत आए. अगर आप खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी लोड नहीं पड़ेगा और आपकी गट हेल्थ जो है वो हेल्दी रहेगी. आप कुछ भी करते हैं, आपकी नींद बहुत जरूरी है. 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है. अनइंटरप्टेड नींद इसलिए जरूरी है कि खाना थोड़ा जल्दी खाएं,
3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपकी नींद और आपके खाने के बीच में। हेल्दी खाना खाएं, लाइट फूड लें रात को जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और प्रॉपर नींद लें। स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंकिंग प्लेनिटी ऑफ वाटर लिंक टू अ इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया जो आपकी हेड गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। स्टेइंग हाइड्रेटेड बेनिफिट योर गट हेल्थ, आपको मेंटली फ्रेश रखेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा और आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से वाटर इनटेक करें डेली। टेक अ प्रीबायोटिक और अ प्रोबायोटिक इन योर डाइट, एडिंग अ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक चाहे वो सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रहे हैं चाहे डाइट्स के थ्रू ले रहे हैं, ले जरूर। अगर आप सप्लीमेंट्स के थ्रू प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ऐड कर रहे हैं तो अपने आप से नहीं, अपने डॉक्टर की सलाह पर ले। डाइट में आप छाछ है, कांजी है, इसको आप डेली इंक्लूड करें बिकॉज वो आपके गट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको एड ऑन करने में हेल्प करते हैं। आपका जो स्टमक है उसमें डाइजेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से होता है। तो प्रीबायोटिक जो है वो फूड जो है वो प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट, और जो प्रोबायोटिक हैं वो एक तरीके से डिलीवर गुड बैक्टीरिया। तो दोनों को बहुत ज़रूरत है। पीपल जिनको सीवियर इलनेस है, वीकेंड इम्यून सिस्टम है, वो जो प्रोबायोटिक हैं वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। सप्लीमेंट्स जो हैं वो डॉक्टर की सलाह पर लें। जिनका स्टमक डिस्टर्ब है वो छाछ कोशिश करें दिन में 3 बार लें। जो हेल्दी हैं, जिनको कोई इशू नहीं है, वो रूटीन बना लें कि दोपहर के टाइम पे एक टाइम एक ग्लास छाछ तो जरूर लें। अपना जो फूड इंटॉलरेंस है वो चेक कीजिए कि कोई पर्टिकुलर फूड है जिससे आपको परेशानी होती है, उसको चेक कीजिए, उस पर चेक लगाइए। फूड इंटॉलरेंस की वजह से आपको ब्लोटिंग फील होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, गैस, नौजिया, फटीग, एसिड रिफ्लक्स, दीज आर द थिंग्स जो कि फूड इंटॉलरेंस से रिलेटेड होती हैं। तो उसको पहचानिए। एलिमिनेटिंग डाइट सिस्टम यूज़ कीजिए जिसमें कि जिस पर्टिकुलर फूड से आपको इशू है उसको थोड़े दिन एलिमिनेट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा हाँ यही वो कल्प्रिट है जिससे मुझे इशू है, उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। चेंज योर डाइट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, हाईली शुगरी फूड, हाई फैट फूड, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को रिड्यूस करेंगे आपका जो गट हेल्थ है वो हेल्दी होगा। ईटिंग अ डाइट विद विच इज रिच इन हाई फाइबर कंटेंट, वो आपके जो गट हेल्थ है उसको माइक्रोबायोम कंट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जिसका पड़ेगा आपकी गट पे। और बाय ईटिंग अ फूड हाई इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे पॉलीफिनॉल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, कॉफ़ी में, टी में, वाइन में, वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा। छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लाने से हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो क्यों नहीं शुरुआत करें अपने गट को हेल्दी बना के ओवरऑल बॉडी के सिस्टम को ठीक करें। दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ, डाइट द वे ऑफ लाइफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट्स योर चैनल, सो डू सब्सक्राइब। आप लोग चैनल देखते हैं उससे बेनिफिट भी लेते हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेक चेंजेस टू बेनिफिट योर लाइफ। बाय बाय, थैंक यू। डाइट द वे ऑफ लाइफ। छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लाने से हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो क्यों नहीं शुरुआत करें अपने गट को हेल्दी बना के ओवरऑल बॉडी के सिस्टम को ठीक करें। दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ, डाइट द वे ऑफ लाइफ।